मेरे प्यारे छात्र, आठवीं कक्षा के प्रथम वर्ष हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि साम और सपना और उसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए थे। ग्रामर के विशेष बात नुक्ता के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचे हैं नुक्ता, उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ आपको करना है। मैं कह देता हूँ कौन कौन से जो बदलाव आपको करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको एक और विषय कहना है, पाठ के मध्य से भी प्रश्न आ सकते हैं, यह ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको उस नोट्स के एंड में रहने वाले सभी प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे पहला पद्य चाहता हूं और दूसरा पाठ सांप और सपना। चाहता हूं पद्य में इंपॉर्टेंट जो यह कह देता हूं, यह पद्य मेमोराइजेशन के लिए भी है, कंठपाठ करने के लिए भी है। कंठपाठ करते वक्त आपको अंतिम प्यारा तोड़ता हूँ मुंह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में वज को थमा दो, ये सुमन लो ये चमन लो, नेट का संतरण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। यह पद्य आपको कंठस्थ करने के लिए है, आपको कंठस्थ करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य है, यह आपको परीक्षा में लिखने के लिए भी आ सकते हैं, दो मार्क का प्रश्न भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और विचार है, प्रश्नोत्तर भी आपको पढ़कर रखना है, संदर्भ भी आपको पढ़कर रखना है। ये सभी प्रश्नोत्तर दूसरा पार्ट सांप और सपने में तीन सपने दिखते हैं, बिल्ली कबूतर और तलवार। इन तीनों का देखने का मतलब तथा मतलब आपको मालूम रहना है। और साथ ही साथ सांप ने किस तरह किसान के आंखों को आंसुओं को देखकर प्रायश्चित के बारे में मतलब अंत में किस तरह समझाए उसको, ये अभी आपको मालूम रहना है। आज की कक्षा में हम नुक्ता के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। नुक्ता बच्चों, नुक्ता एक विशिष्ट विशिष्ट लिखावट शैली है, ग्रामर के जो इसमें आते हैं। देखेंगे आज की यह नुक्ता का मतलब क्या है। आप यह अपने नोट्स में लिखकर रखिए, क्योंकि क्या है, नुक्ता एक महत्वपूर्ण पार्ट है। किस तरह नुक्ता बदलाव करते हैं, ये सभी आपको देखना है। कुछ उदाहरण के साथ हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। नुक्ता, नुक्ता परिभाषा लेना है तो नुक्ता का अर्थ होता है बिंदी या बिंदु, और बिंदी का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। से नुक्ता बिंदु, एक डॉट है, डॉट बिंदी नहीं तो बिंदु कहते हैं, यह नुक्ता का अर्थ होता है। ज्यादा से ज्यादा महत्व हम इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपने आपको लिखना है खुदा, खुदा खुदा लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, देखना है खुदा का अर्थ क्या होता है। खुदा ऐसे लिखे तो आप खुदा का अर्थ होता है अल्लाह यानी भगवान कहलाते हैं। वही आप सिंपल खुदा लिखे तो यह कूदने के बराबर है, खुदाई की गई, खुदाई की गई इसके बराबर है। डिगिंग यानी यहाँ भगवान अल्लाह के लिए नहीं तो भगवान के लिए प्रयोग करने वाले शब्द है। नुक्ता अर्थात विदेश जा कहते हैं, विदेश जा कहते हैं, नुक्ता को विदेश जा कहते हैं। विदेश जा आपको याद रखना, याद रहना है, विदेश जा अर्थ है विदेश से आया हुआ, शब्दों के पर यहाँ नुक्ता लगाते हैं। आगत है यानी विदेश से आए हुए शब्दों को, फॉरेन वर्ड्स को, हम फॉरेन वर्ड्स के लिए यहाँ नुक्ता लगाना पड़ता है। नुक्ता के विशिष्ट तरह से अर्थ है, देखिए नुक्ता के किस तरह किस किस शब्द के लिए उपयोग करते हैं, उर्दू अरबी पारसी और अंग्रेजी शब्दों के लिए नुक्ता का प्रयोग करना पड़ता है। नुक्ता वाले वर्ण व्यंजन वर्ण, नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण के बारे में देखते हैं तो क ग ज और इन व्यंजनों पर
नुक्ता लगाना पड़ता है, इन व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले, नहीं तो यह व्यंजन कोई भी एक शब्द से मध्य में आए तो उसका उपयोग करना पड़ता है। नुक्ता एक विशिष्ट तरह से उपयोग करने वाले यह बिंदु है, क्योंकि सही जो शब्द आते हैं उन सभी पर नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा था खुदा और खुद, खुद यानी डिगिंग करना, खुदा यानी खुदा प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको देखना है खू ख ख ख, वैसे बहुत प्रेशर मतलब श्वासों से ही आपको प्रेशर लेना पड़ता है। ख का हम वैसे उपयोग करना पड़ता है, वैसे छठ का उपयोग करते वक्त हमें उपयोग करना पड़ता है, और साथ ही साथ ह के लिए आपको ह बहुत प्रेशर डालना पड़ता है। नुक्ता अर्थ परिवर्तन कैसे होता है इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। नुक्ता अर्थ कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे नुक्ता लगाकर किस तरह परिवर्तन होते हैं और नुक्ता नहीं लगाए तो क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। आप देखते जाइए और आपको कह देता हूं। जरा थोड़ा अर्थ है जरा बुढ़ापा है, फन कौशला है, पन सांप का मुंह है, सजा नुक्ता लगाए है डंडा, और सजा सजान। वैसे आपको एक और बात कह देता हूं, उसका जो नुक्ता लगाने पर इस तरह अर्थ चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शब्दों को लिख कर ही दे देता हूं। देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए नुक्ता लगाने का जो शब्द है, जैसे झरा देखिए झरा झरा, यहाँ नुक्ता लगाने पर यहाँ थोड़ा हो जाते हैं झरा, वही नुक्ता नहीं लगाए तो जरा जरा बूढ़ा हो गया। बुढ़ा यहाँ डकार के लिए नीचे जो डॉट देते हैं ना वह कॉमन है, वह डकार के नीचे लिखता ही है, और फन के बारे में देखेंगे। हाँ फन यानी कौशला, फन यानी कार्य फन, सिंपल फन है यहां सांप का मुंह, हेडे बेहतर पड़े सांप ना हेडे, फन फैला कर सांप का मुंह। आपको वैसे ही सजा में ज्यादा लिखने की जरूरत, मुझे जो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कह देता हूं। पहला कहता हूं वह नुक्ता लगाए हुए शब्द है, दूसरा है नुक्ता लगाए नहीं लगाते। सजा दंड है, सजा सजाना है, तेज द्रुत और तेज चमक, राज रहस्य राजा शासन, राज यानी शासन कहलाते हैं। वैसे जो शब्दों का प्रयोग हमें किस तरह करना है इसके बारे में भी आपको याद रहना है, जैसे खद डील कहते हैं शरीर का लंबाई, खद कोशिश भी कहते हैं, खुदा भगवान खुदा खुदा हुआ है, गोल झुंड गोल व्रता का, जीना सौड़े जीना जिंदगी, वैसे जन पत्नी जन लोग, और नुक्ता बिंदु नुक्ता सूक्ष्म, हाजिर उपस्थित हाजिर हिजरत करने की करने वाला, सजा दंड सजा कलरव, जैसे मुकद्दर तकदीर भाग्य, मुकद्दर महिला एंड दुखी कहते हैं, जैसे गज वेरी इंपॉर्टेंट है, गज गज को नाम कहते हैं, गज हाथी कहते हैं, जैसे पहला है नुक्ता लगाए हुए शब्द, दूसरा है आपको नुक्ता नगर नहीं लगाए हुए शब्द है, आपको यहाँ
याद रहना है किस तरह नुक्ता का उपयोग कर रहे हैं, जो मैं कहता हूँ कि क्या कहा हुआ ना वो सभी आपको नोट्स में लिख कर रखना है। नुक्ता का प्रयोग करते वक्त कैसे प्रोनाउंस करते हैं यहाँ देखेंगे, नुक्ता क के प्रोनाउंस करते वक्त क क्यों होते हैं, देखिए क्यों शब्द वहां आते हैं, कैसे खाजी, खाइदा, कैसर, तरीका, कौतुब, कुतुब, वैसे कुतुब वैसे कहते हैं। वही ख का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए ख का उपयोग करते वक्त किए शब्द किए जाते हैं ना, वैसे वहां उपयोग करते हैं। क का उपयोग किस तरह करते हैं हम थोड़ा सा देखेंगे। क का उपयोग किन शब्दों में किया जाता है, खान, अख्तर, भक्त, खुशबू, का खादिम ऐसे कहते हैं। क का उपयोग जी एच आपको लिखना है, का उपयोग जी एच कैसे करते हैं देखेंगे। क का उपयोग गुलाम, जैसे गुलाम देखिए वहां आपको नुक्ता कर लगाना पड़ता है, जैसे गाव, गाली, गजल, अक्सर ये सभी आपको घ का उपयोग करते वक्त लिखना है। वैसे ही आपको ज का उपयोग करते वक्त किस तरह आपको ज का उपयोग करना है इनके बारे में भी हम देखना है। तो ज के लिए झट होते हैं, झट झट शब्द कहाँ आते हैं उसका उच्चारण करते वक्त आपको मिलते हैं, जैसे छाइन, जोरा, अजरत, अजर वैसे शब्द है। नेक्स्ट है फ, फ के लिए यम आए है, आपको यम आए तो आपको लिखना पड़ता है, जैसे अप्रोच, फाइ, फाशिया, फीजा, फाइजल वैसे शब्दों को शब्दों पर आपको फ नुक्ता लाना है, सभी नुक्ता लाने के शब्द है देखेंगे। वैसे इन सभी विचारों के देखने के बाद में आपको एक और विचार देखना है, इन शब्दों पर नुक्ता लगाना पड़ता है, किस तरह नुक्ता लगाते हैं हम इसके बारे में हम विचार करेंगे देखेंगे आगे। वही आपको नुक्ता कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विशेष विचार है आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नुक्ता कई आपको एक तरह से दिखते हैं, नुक्ता है ऐसा है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है क क ग ज प इन शब्दों पर नुक्ता लगे लगाते हैं। विशेष द्रष्टव्य है आपको लिखना है, नुक्ता संस्कृत या हिंदी के मूल शब्दों में नहीं लगता है, क्योंकि संस्कृत या हिंदी देशी जो शब्द है वह विदेशी शब्द नहीं है, तो नुक्ता विदेशी शब्दों पर ही उपयोग किया जाता है। एक और विचार है द, द और द के नीचे डॉट दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करना है तो नुक्ता वर्णों के नीचे लगता है, नुक्ता में द और ड को मत गिना लीजिए, ये दोनों स्वतंत्र अक्षर है और इनके नीचे लगाने वाले बिंदी बिना इनका अस्तित्व संभव नहीं है, इसके नीचे नहीं लगाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे जो शब्द है आपको लिखना लिखते वक्त आपको लिखना पड़ता है डॉट। पुस्तक में आपको दिए हुए कुछ शब्दों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले एक और विचार आप तक कहने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या है नुक्ता में अत्यंत महत्वपूर्ण है ड और ड, ड और ड के नीचे लगाए तो ओके वह शब्द बनता है अक्षर के जो वैसे ही बनते हैं, लेकिन आपको यह याद रहना है यह वर्णमाला ही नहीं उसको ड और ड के नीचे लिखना पड़ता है। वैसे आपको सफल कुछ शब्दों में सफल ऐसा लिखते हैं वह गलत है, क्योंकि क्या है स और फल, स और फल वैसे बनते हैं यानी फल सहित कहते हैं, सफल वैसे कहते हैं, आपको वह ध्यान देना है नुक्ता लगाते वक्त, इन सभी विचारों पर आपको ध्यान देना है। जितना मैं मुझे कहना था नुक्ता के बारे में उतना मैं कह चुका हूँ, और आपका पुस्तक में जो शब्द है ना उन पर कैसे नुक्ता लगाना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ देखिए पहाड़ी आया है, एक्चुअली यहाँ नुक्ता नहीं डालना है,
आप डी के नीचे नुक्ता लाने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि क्या है वह वैसे जो शब्दों का सही क्रम है, आजमाना झ के नीचे डॉट डालना है, और धोखाधड़ी क के नीचे डॉट डालना है, ड के नीचे नहीं डालना है, मजबूत ज के नीचे डालना है, खड़ा ख के नीचे डालना है, जोड़ थे ज के नीचे डालना है, झोपड़ी आपको यहां भी ड संभवतः होते हैं वैसे, जिंदगी ग के नीचे आपको डालना है, उड़ता उड़ता भी वैसे ड के नीचे आपको डालना पड़ता है, वहाजार आपको ज के नीचे नुक्ता डालना पड़ता है। बहुत थोड़ा आपके ग्रामर में यहाँ नोट्स में थोड़ा सा मिस है तो आप उसमें सही कर लीजिए, जो मैं कहा ना वैसे ही आपको डॉट पर डालना है। यदि आप आते हैं तो देखेंगे इसके बारे में, जब आप स्कूल में आते हैं ना उस वक्त उसका विवरण देने के लिए कोशिश करते हैं और नोट्स भी देने के लिए कोशिश करता हूँ। नुक्ता उतना आवश्यक नहीं है, शब्दों का प्रयोग करते वक्त आपको यहाँ ध्यान में रहना है क्यों किस तरह वह शब्दों पर अपना अर्थ बिगाड़ देते हैं। नुक्ता यहाँ आपको विदेशी शब्दों में बहुत उपयोग करते हैं, संपूर्ण तैयारी के शब्दों में उपयोग करना मना है। यस ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरणा तक तो आपको इतना आते हैं इतना आते हैं, शायद दसवीं कक्षा तक आप इसका एक बहुत बड़ा एक विशिष्ट तरह से पुष्टि ही बना सकते हो उतना यहाँ आते हैं। प्रेरणा तत्व में आपको यहाँ देखना है प्रेरणा तत्व किसे कहते हैं, प्रेरणा तत्व किसे कहते हैं, प्रेरणा तत्व यह है कोई भी व्यक्ति खुद के व्यक्ति जो काम नहीं करते हैं यहाँ दूसरों से करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने यह कह चुका हूं ऐसा मैं मानता हूं कहा हूं ऐसा मैं मानता हूं, नहीं तो आपको आने वाली कक्षा में जब यहाँ आएगा प्रेरणा तत्व उस वक्त इसका विवरण देना हो, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है। प्रेरणा तत्व यहाँ खुद के लिए नहीं करवाते हैं, क्रिया का रूप नहीं है, क्रिया को दूसरों से करवाते हैं। जैसे कंडक्टर से कंडक्टर ने व्यक्ति को उतारा, आदमी को उतारा, लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया, उतारा उतरवाया। आकार आते हैं वाकार आते हैं, प्रथम प्रेरणा तत्व और द्वितीय प्रेरणा तत्व रूप में कहते हैं। पुस्तक में वहां आए हुए शब्दों को देखना है तो सोना सुलाना सुलवाना, लूटना लुटाना लुटवाना, देखना दिखाना दिखवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, छिपना छिपाना छिपवाना। क्योंकि नवी कक्षा में दसवीं कक्षा में इन सभी जो कक्षा में प्रेरणा तक रूप किया हो इसमें मुझे डाउट है क्योंकि मैं किया हूँ ऐसा मुझे वैसा प्रतीत हो रहा है। यदि मैं एक और बार देखकर यदि नहीं किया तो अगले जो जब भी यहाँ आएगा उस वक्त उसका विवरण देने के लिए कोशिश करें। ओके, यहाँ आपका सांप और सपना पाठ का प्रश्नोत्तर बना तथा ग्रामर के जो बात समाप्त हो जाते हैं और अगला जो पद्य है आपके लिए कभी मत, कभी मत नामक एक सुंदर पद्य है, आपको प्रेरणा देने वाले पद्य है, आपको क्या क्या उपदेश देते हैं इन सभी विचारों के बारे में कहते हैं। यह कभी मत आपको किस तरह के यह उपदेश जैसे इनके बारे में हम देखेंगे किस तरह उपदेश देते हैं ऐसा हम यह पद्य में देखेंगे। पद्य में कभी मत पद्य श्रीधर पाठक द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पद्य है। यह पद्य में बच्चों को कहते हैं यह मत करो, ऐसा नहीं करना है, गुड हैबिट्स को कैसे अपना सकते हैं। यह पद्य देखते ही यह पद्य पढ़ने के बाद में तुरंत आप ही जो गुड हैबिट्स को अपनाते हैं वैसा जो गुड हैबिट्स का खजाना कहलाते हैं
क्या क्या नहीं करना है, हम सर मुझे अच्छे व्यक्ति बनना है तो क्या नहीं करना है, क्या करना है, ऐसा जो आप आलोचना करते हैं तो यह नहीं करना है। इनके अलावा इनका विरुद्ध गुण को अपनाना है, जो यहाँ नहीं करने के लिए कहते हैं वह नहीं करना है, ऐसे जो नहीं किए तो आप अवश्य अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। किस तरह कभी मंत्रोपद्य हमें प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों तक या बच्चों को दिल तक छू सकते हैं, ये सभी हम इस पद्य में देखेंगे। यह पद्य है कविमत पद्य, श्रीधर पाठक द्वारा लिखा हुआ है। क्या करो कवि, तुरंत देखना है तो आप आई थिंक दसवीं कक्षा और नवीं कक्षा के छात्रों के लिए भी यह किया हूं, देख लीजिए समय है। ओके, यह चाहते प्रेरणा तक चाहते देखिए कवि मत। कवि मत एक श्रीधर पाठक द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पद्य है, बच्चों को उपदेश देने वाले पद्य है। कवि बच्चे देखेंगे, कवि है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक एक विशिष्ट तरह का जो कवि है। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 को आगरा जिले के चौंदरी ग्राम में हुआ। शिक्षा संस्कृत और पारसी में हुआ। कलकत्ता में सरकारी सेवा करने के पश्चात प्रयाग में आकर रहने लगे। उन्होंने ब्रजभाषा तथा कड़ी बोली दोनों में कविता लिखे है। उनकी मुख्य रचना है जगत सच्चाई सा, मनोविनोद, कश्मीरी सीमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत। कड़ी बोली में काव्य रचना कर इन्होंने गद्य और पद्य की भाषाओं में एकता स्थापित करने की ऐतिहासिक काम किया है। जिन्होंने अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार की भावनाओं के कवि थे। आपका निधन 1928 को हुई। मैंने देखो आपको याद रहना है इनका जन्म कब हुआ, 1859 जन्म कब हुआ, जन्म 1859 कहते हैं। उनका उनके जन्म कहां हुआ, आगरा के आगरा जिले के झौंदरी नाम का ग्राम आगरा। आगरा जिले के झौंदरी नाम का ग्राम में हुआ। शिक्षा संस्कृत या पारसी में हुई, संस्कृत में हुआ। संस्कृत में यहाँ एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की थी और पारसी में भी हुआ। कलकत्ता में सरकारी सेवा कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। तत्पश्चात प्रयाग में आकर रहने लगे, सरकारी नौकरी को खत्म करके मतलब समाप्त करके सरकारी नौकरी में रिटायर होकर वह बाद में प्रयाग में आकर रहने लगे। इन्होंने ब्रजभाषा तथा कड़ी बोली दोनों में कविता लिखी है। ब्रजभाषा वृंदावन भाषा के रहते हैं, कड़ी बोली उसी समय का एक बोली है। नम इले तुड़ भाषे आ भाषे ई भाषे आ रीति कड़ी बोली वैसे एक भाषा है। इसको भी इधर देश में संविधान में स्थान मिला है। कड़ी बोली में इन्होंने कविता लिखी। इनकी मुख्य रचना है जगत सच्चाई सा,
जगत सच्चाई सा जगत सच्चाई सा और कश्मीर सुमान कश्मीरी सुषमा मनो विनोद मनो विनोद आदि है गोपिका की एवं बाल गीत इनके रचना है। यहां पर एक है और इन्होंने इनकी एक विशिष्ट तरह शैली है वह है पद्य और गद्य दोनों को एक ही तरह लिखा। पद्य को गद्य के रूप में ही यहाँ लिखना पसंद करते थे और गद्य के रूप में ही उन्होंने लिखने के लिए प्रयत्न भी किए हैं और इन प्राकृतिक सौंदर्य का स्वदेशी प्रेम समाज सुधार के भाव के कवि थे। इनका मृत्यु 1952 आपको याद रह रहा है 1928 में इनका मृत्यु भी हुए। आशय देखेंगे किस तरह का जो इन्होंने अपना कविता में कहा है। इस कविता में कवि कहते हैं कि बुरा मत सोचो बुरा मत बनो बुरा मत करो। जैसे आपने आपने गांधी जी का बंदर्स के बारे में भी देखे बंदर बंदर यानी मंकी मंकी के बारे में भी गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत करो। वैसे कहते हैं ना यहाँ कवि का कहना है कि बुरा मत सोचो दिमाग में ऐसा भावना ही नहीं आना बुरा बुरा विचार सोचना नहीं है बुरे काम नहीं करना है बुरा मत बनो कभी भी कार्य करते वक्त बुरा काम नहीं करना है बुरा मत करो बनना नहीं है और करना भी नहीं। यदि आप काम बुरे काम किए ऑटोमेटिकली आप बुरे बन जाते हैं और उस पर सोचते भी है सोचना भी नहीं है करना भी नहीं है बनना भी नहीं है ऐसा कहते हैं। पूरा आलोचना नहीं करना है किसके दिल में दोष नहीं है किसने गलत काम नहीं किए ऐसा नहीं सभी ने काम गलत किए हैं गलत काम तो सब करते हैं लेकिन इन गलतियों को सुधारना सबका कर्तव्य है। गलतियों को सुधारना हर एक का कर्तव्य है। जब आप गलतियों को सुधारते हैं ऑटोमेटिकली आप एक समाज में एक सक्षम व्यक्ति बनते हैं। लेकिन दोष पर ध्यान न देकर उनमें मिलने वाले ज्ञान और गुणों को ध्यान दीजिए। हर एक मनुष्य में दोष रहते हैं दोष एक बुरी चीज नहीं है। कोई भी जो काम हम कोई भी काम में हम गलती किए तो कब हमें सीख मिलते हैं यस मैंने गलती किया है आइंदा ऐसा काम कब करते नहीं एक सीख है। जब भी वहां काम करने के लिए जाते हैं ना आपको याद दिलाते रहते हैं कि यस मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि मेरा काम है सही काम करना है। ऐसा जो ज्ञान हमें सदैव हमारा जो गमन वहां एकाग्र करने में सक्षम हो जाते हैं और हमें सूचना भी देते रहे बुरे बुरे जो दोष है ना हमें जागृत करते रहते हैं। पहलू इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। जब आप पहलू हो जाते हैं ना फेल हो जाते हैं ना तभी जो आप सक्सेस बनने का उम्मीद रख सकते हैं। केवल सक्सेस ही नहीं है सबको स्वीकार करने के लिए सीखना है ध्यान देकर उसमें मिलने वाले गुणों को देखना है। दोष कर किए तो उस पर मिलने वाले गुण क्या है ये समझ लीजिए। एक लड़का ने झूठ बोल दिया हर एक झूठ बोलते हैं जो झूठ बोल दिया वहां चलकर आगे नहीं लेके जाना दोबारा ऐसा किया तो उस पर बुरी असर पड़ जाता है। इसलिए झूठ बोले तो भी ओके एक बार कर सकते हैं नहीं बार बार की तो वो गलत जो बड़ा सा बड़ा गलती है। आप उन गलतियों को सुधारना चाहिए आपको वहां उन गलतियों को सुधारना है। यदि आप उन गलतियों को सुधारते हैं और उनमें मिलने वाले महत्वपूर्ण गुण कैसे कि मैंने ऐसा गलती किया इसको मुझे सुधारना है तब क्या है आप
ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। यही कहते हैं कि वो दोष क्या किए हैं उस पर उन दोषों को मद्देनजर रखकर आपको सक्सेसफुल बनना है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर इसका विस्तृत अध्ययन हम आने वाले कक्षा में करने वाले हैं। धन्यवाद।